का जल भराव है, ये कब से है और कितना समय हो गया? आधे घंटे, आधा एक घंटा हो चुका है, आधा एक घंटा सूचना दी जा चुकी, सूचना दी चुकी, रिसाव तो बराबर जारी है, अभी तक पानी बंद नहीं किया गया, रिसाव से अभी बंद हुआ है लेकिन बहुत देर तक होता है, बहाव तो अभी चल रहा है, अभी बहाव चल रहा है ना, बहाव तो चल रहा है, ये पानी तो कहाँ से कहाँ भर चुका है, एक किलोमीटर डबल पुलिया से लेकर के, अच्छा एक किलोमीटर की रेंज, कोई अधिकारी आया अभी तक? अभी तक ये तो जल संस्थान का मामला होगा, पीने वाला पानी है ना ये बहरा, ये यही जो पाइपलाइन घिसी थी पीने वाला ही पानी, जैसा कि देख रहे हैं विजयनगर शास्त्री नगर में जो पीने के लिए लोग पानी तरस रहा है, लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन कानपुर की जो नगर निगम और जल संस्थान के जो आला अफसर हैं उनको पानी की कोई किल्लत नहीं समझ में आ रही, उनके लिए कोरोना है और कोरोना के चलते लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा 2 किलोमीटर की दूरी पर पानी किस तरीके से बह रहा है, पीने वाला पानी बह रहा है, कोई भी अफसर इस पानी को संज्ञान में नहीं ले रहा, बहाव अभी तक जारी है, कितना पानी बह चुका है, लाखों लीटर पानी की बर्बादी, आखिर जिम्मेदार कौन है, जल संस्थान GM या अन्य कोई कर्मचारी? अभी तक पानी को क्यों नहीं रोका गया? 1 घंटे हो चुके हैं लगभग, पानी का रिसाव बराबर चालू है, कितना पानी बह रहा है और ये नालों में बह रहा है, पीने के लिए लोग पानी के लिए तरस रहे हैं ऐसी भीषण गर्मी में, फिर भी ये बहाव चालू है। YMS News 24 के साथ अरविंद सिंह यादव, मंडल ब्यूरो, कानपुर।